अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किसानों के लिए खुशखबरी, ऑटो सब्सिडी जो है वो चंद दिनों से स्टार्ट हो गई है। ऑटो सब्सिडी टेलको हो रही है या मिल रही है? डीलर डिवाइस वाली सब्सिडी कौन से अकाउंट में आ रही है? क्या डीलर डिवाइस वाले अकाउंट में आ रही है या किसान के अकाउंट में आ रही है? डीलर डिवाइस वाली सब्सिडी और पोटाश की सब्सिडी टेलको हो रही है या नहीं? जो टेलको सब्सिडी थी वो आई है या नहीं? इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। ऑटो डीएपी सब्सिडी परसों से स्टार्ट हुई है तो टेलको नहीं हो रही। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारी सब्सिडी टेलको हो गई है, तो उनकी सब्सिडी टेलको नहीं हुई थी, बल्कि उनको मैसेज मौसूल नहीं हुए थे, यानी कि सब्सिडी वाला मैसेज मौसूल नहीं होता अगर अंगूठे वाली सब्सिडी है। मतलब आपका एचबीएल कनेक्ट का अकाउंट बायोमेट्रिक ओपन नहीं है तो आपकी सब्सिडी अंगूठे पे आएगी, और अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी मौजूद नहीं है तो डीलर डिवाइस पे आपका रिकॉर्ड शो नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि आपकी सब्सिडी टेलको हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हेल्पलाइन पर कॉल करके अपना ट्रांजैक्शन आईडी लें और एच बी एल कनेक्ट के रिटेलर के पास जाके अपना अंगूठा लगा के पेमेंट वसूल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मैसेज मौसूल नहीं हुए वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। हेल्पलाइन का नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। हेल्पलाइन का नंबर है 021-111-247-425। इस हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनसे अपने ट्रांजेक्शन आई डी वसूल करें, वो लिख लें, एच बी एल कनेक्ट के रिटेलर के पास जाके अंगूठा लगा के अपनी पेमेंट वसूल कर लें। और अगर आपने उसको पेमेंट को अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए पासकोड होना लाजमी है, और पासकोड तब मिलता है जब आपको मैसेज मौसूल होता है सब्सिडी वाला, वरना आपको पासकोड नहीं मिलता। ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाती है। जब ट्रांजैक्शन आईडी सिर्फ आपने लेनी है तो अंगूठे के बगैर आपकी पेमेंट नहीं निकलेगी। अगर आपका एच बी एल कनेक्ट का बायोमेट्रिक अकाउंट ओपन है, उसी सिम पर आपने कूपन सेंड किए हैं, फिर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैसेज मौसूल नहीं भी हुआ तो आपकी पेमेंट आ चुकी है। इसके अलावा डीलर डिवाइस वाली जो सब्सिडी है वो जिन लोगों के अंगूठा लगाने की वजह से, अंगूठा मैच ना होने की वजह से कूपन ज़ाया हो गए थे, मतलब कूपन नहीं सेंड हुए थे, उनकी पेमेंट आ रही है, या जब फंड ख़त्म होता था उस वक्त डीलर कूपन सेंड करता था तो आपकी पेमेंट नहीं आती थी, मतलब आपके कूपन वेरीफाइड नहीं होते थे, वो भी उनकी भी पेमेंट आ रही है, और जो अंगूठा ना लगने की वजह से आपके कूपन ज़ाया हुए थे उनकी भी पेमेंट आ चुकी है, आ नहीं रही, तकरीबन तमाम लोगों की आ चुकी है। वो अपने अकाउंट में आप चेक करवाएं। अगर आपका अकाउंट डोरमेंटेड हो चुका है तो उसको अनडोरमेंटेड करवाएं, मतलब अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, डोरमेंटेड हो जाता है, तो आप उसको अपडेट करवाएं अपने अकाउंट को। हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी जो शनाख्ती कार्ड की इशू डेट है उसको अपडेट करवाएं, उसके बाद अंगूठे से अपना अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे तो आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, उनका कार्ड एक्सपायर है या नहीं है, अगर 6 माह तक उन्होंने अपना अकाउंट यूज़ नहीं किया या उनके अकाउंट में 0 बैलेंस था तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। पोटाश की सब्सिडी के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है कि पोटाश की सब्सिडी जो टेलको हो चुकी है वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आप महकमा ज़राअत के दफ्तर में जाके दरख्वास्त जमा करवा दें। ट्रांजैक्शन आईडी आपको हेल्पलाइन से मिल जाएगी। हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी ट्रांजैक्शन आईडी लें और एक दरख्वास्त लिखें, महकमा ज़राअत के दफ्तर में जमा करवाएं, तो आपको सब्सिडी जल्द मिल जाएगी, वरना जब कार्ड रिफ्रेश होंगे, कूपन दोबारा से वेरीफाइड होंगे तो आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। कल की डेट में अगर किसी दोस्त ने एसओपी के कूपन सेंड किए हैं तो आज की डेट में अगर उनकी पेमेंट आई है तो वो मुझे कमेंट में बताए या व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बताए कि उनकी सब्सिडी आई है। पोटाश की सब्सिडी क्योंकि टेलको हो रही थी फंड ख़त्म होने की वजह से, तो अगर किसी दोस्त की एसओपी की सब्सिडी आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप पे बताएं।